टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विदा मैडम, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ पर पासबुक और कार्ड जो बांटा गया है, कितने लोगों को बांटा गया है और ये पासबुक कौन से अकाउंट के तहत था जो कार्ड दिया गया है, ये कैसा कार्ड था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। अपन जब से ऑफिस खुली है संस्था की यहाँ पर, तब से 500 के ऊपर जनधन अकाउंट हो चुके हैं, ई श्रम कार्ड हो चुके हैं, हेल्थ कार्ड बना के दिया जा रहा है। बाहर बहुत कुछ है लेकिन मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जनधन अकाउंट हमने 500 के ऊपर आज पूरा किया है। हम लोग हमेशा 50-50 100-100 करके बांटते हैं, 100-150 के ऊपर हमने आज पासबुक बांटा है यहाँ पर। लेकिन जनधन अकाउंट के साथ एक सबसे बड़ी योजना दी है मैंने बहनों को और भाइयों को भी, वो है 330 वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये दो योजना संस्था ने फ्री दी है बहनों को और भाइयों को। इसलिए एक्सीडेंटली 2 लाख रुपया है, डेथ पे इसका 4 लाख रुपया है। बोलते हैं ना, बड़े लोग बहुत सारी चीज़ें खोल लेते हैं, बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन गरीबों के पास कुछ नहीं है। तो सरकार ने जो दिया है 4 लाख और 2 लाख, तो ये उन लोग तक पहुँचाया है मैंने, और संस्था ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 1 साल का योजनाएँ दी है। और जनधन अकाउंट भी बाहर मुमरा में ही पैसे लगते हैं जनधन अकाउंट के लिए, लेकिन संस्था 1 रुपया न लेते हुए इनको ये जनधन अकाउंट और 2 पॉलिसी दी है। साथ में हमने आज ई श्रम कार्ड दिया है इन लोग को बना के। ई श्रम कार्ड भी हमारे 1000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑफिस में। आज भी कुछ लोगों को ई श्रम कार्ड दिया हमने। ई श्रम कार्ड में भी ये फ़ायदा है कि गरीबों को कैटेगरी वाइज रजिस्टर किया जा रहा है सरकार के पास, इसलिए क्योंकि कुछ मदद देनी है उनको तो डायरेक्टली अकाउंट में आएगी ई श्रम के ज़रिए। और उसके साथ 2 लाख का पॉलिसी भी फ्री है, जो जीवन पॉलिसी फ्री है उनको। तो ये ऐसी बहुत कड़ी कार्य। अभी कल हम लोग हेल्थ कार्ड बांटेंगे बहनों को। तो इस तरीके से आज ये प्रोग्राम था। जो भी योजना है सरकार की, जो भी योजना है दिल्ली सरकार की, जो भी योजना है महाराष्ट्र सरकार की, वो बहनों तक और भाइयों तक पहुँचाने का काम कर रही है संस्था। देखा जा रहा है आप कोई भी प्रोग्राम कर रही हैं तो आप बीजेपी के बैनर तले नहीं कर रही हैं, अर्शिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कर रही हैं। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि आप इस संजय नगर इलाके में जिस तरह से लोगों को जोड़ रही हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं को जोड़ रही हैं, आज कुछ इसमें पुरुष भी थे, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है चुनाव के लिए बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी यहाँ पर कर रही हैं, तो क्या आप ही लड़ेंगी यहाँ से नगर सेविका की चुनाव? देखिए, मैं लड़ूंगी या मैं आगे क्या करूंगी नहीं पता, लेकिन संस्था का बारे में बताऊंगी। संस्था के पूरे मुमरा को पता है। आज मेरे ख्याल से 2 से 3 साल से, मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन लास्ट संस्था 2 से 3 साल से बहुत एक्टिवली काम करती है। बहनों के लिए रोज़गार की बात हो, मौलाना आज़ाद की ऑफिस खुलाने की बात हो, या बाकी महिलाओं की अनेक चीज़ों पे काम करती है। तो मुझे नहीं लगता ये मैंने पहली बार किया है। और संजय नगर में इसलिए मैंने सभी जगह पे शाखाएं डाली है। संजय नगर है, कौसा है, गावदेवी है, मुमरा है। संजय नगर इलाके में आपकी काफ़ी पकड़ मजबूत होती जा रही है, तो चुनाव क्या लड़ेंगी आप ये बताइए ना। चुनाव बस आप लोग का आशीर्वाद होगा, और आप लोग पहली बात तो मेरे लोगों का साथ होगा, और लोगों ने कहा तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है लोग मुझे क्या कहते हैं, जिनको कितनी मदद मैंने पहुंचाई है इन पे डिपेंड करता है। और इन्हीं से पूछूंगी, बीजेपी से लड़ेंगे या अपक्ष? ये बीजेपी से लड़ूं या अपक्ष लड़ूं, मैं लड़ूंगी तो लोगों के लिए लड़ूंगी, और लोगों के फ़ायदे के लिए लड़ूंगी, और लोगों के काम करने के लिए लड़ूंगी। वहाँ मेरे लिए चिन्ह नहीं महत्व होगा, मेरे लिए महत्व होगा मेरे लोग होंगे, जिनको सच्ची मदद मैं पहुँचा सकूंगी कि नहीं, ये ज़रूरी होगा। तो मैं लड़ती हूँ नहीं लड़ती हूँ ये भी लोगों पर डिपेंड करूँगी।